हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेमिंग ऑफ सर्टन केमिकल कंपाउंड ओके यी अबाउट वी आर स्टडीड वी आर स्टडीड राइटिंग केमिकल फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था कैसे केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं ठीक है वन टेबल वी आर स्टडीड नाउ वी विल स्टडी अबाउट की हाउ वी पुड नेम ऑफ दैम ओके दीस केमिकल कंपाउंड हाउ वी नेम नॉमन क्लेचर अबाउट द नॉमन क्लेचर वी विल स्टडी अबाउट ओके सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ओके तीन तरह से कॉम्बाइन कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का ओके सो वी विल स्टार्ट नाउ from first type and that is what so here it is the first type we are studying a metal and a non metal a metal plus a non metal pehla tarika matlab jo compound compound banega jisme ek metal hai aur dusra non metal hai okay फिर हम दूसरा पढ़ेंगे फिर तीसरा पढ़ेंगे so there are three types of combination so first type of this is A metal and a non-metal. Okay, so there are rule. Rule kya hai naming ka First is metal is written first. Metal name of metal is written first. बहुत ध्यान से. अभी तुरंत ही तुरंत learn भी करते जाना है, so that की we can uh, name properly of chemical. कंपाउंड ओके okay. तो मेटल का नाम सबसे पहले देन नॉन मेटल गिफ्स अ सफिक्स 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 का मतलब बाद में नॉन मेटल के नाम के साथ साथ मतलब पूरा नाम नॉन मेटल का नहीं लिखा जाता जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा क्लोरीन का क्लोरो क्लोर आधा लिखा जाएगा और उसके बाद में क्या जोड़ दिया जाएगा आइड बहुत ध्यान से सर्कल कर रहा हूं मैं आइड सफिक्स लगेगा सफिक्स का मतलब बाद में बहुत समझ में आया तो दो ही रूल है पहला मेटल का नाम सेकंड नॉन मेटल गिफ्ट सफिक्स नॉन मेटल के नाम के साथ साथ सफिक्स भी लगाना है क्या आइड समझ में आ गया सो नाउ वी विल गेट आ एक सेंटेंस मिल जाएगा हमें कि मेटल मिल जाएगा मेटल का नाम प्लस नॉन मेटल का नाम और उसके साथ में आइड नॉन मेटल का नाम पूरा नहीं उसके साथ में सफिक्स लगेगा आइड ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ नाम रख के देखते हैं ठीक है अब जैसे हमारे पास अब पहले मैं ये समझ लेता है कि आइड कैसे लगता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है अगर नॉन मेटल है ना तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसका ऑक्साइड ठीक है अगर क्लोरीन है नॉन मेटल तो क्या नाम हो जाएगा क्लोराइड ठीक है अगर सल्फर है तो सल्फर का नाम क्या हो जाएगा सल्फाइड आइड लग रहा है ठीक है इतनी समझ में आ गया और, और नॉन मेटल में आधा नाम और आधा उसके साथ में आइड ठीक है नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड दैट इज ठीक है क्लियर अब देखिए आप इसमें देखिए वन इज मेटल ये मेटल है और अनदर वन इज नॉन मेटल मेटल को मैं रेड से मांग कर देता हूं ये मेटल है मेटल 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 ठीक है नाउ आयोडीन इज नॉन मेटल तो आयोडाइड ओ एच हाइड्रोक्साइड सी एल क्लोरीन क्लोराइड ऑक्साइड ऑक्साइड सल्फाइड ठीक है तो मेटल का नाम पूरा और नॉन मेटल में आइड तो नाम क्या हो जाएंगे अब इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम बोलो आयोडाइड आयोडीन है ना तो आयोड आइड ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रो हाइड्रो और हाइड्रोक्साइड ठीक है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड क्लियर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड वेरी गुड ठीक है सोडियम ऑक्साइड तो सोडियम ऑक्साइड आयरन आयरन सल्फाइड समझ गए सो फर्स्ट रूल क्लियर है कब कौन सा रूल है क्या है प, पहला कॉम्बिनेशन है मेटल प्लस नॉन मेटल ठीक है सो क्लियर नाउ द सेकंड इज सेकंड मेथड इज सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज टू नॉन मेटल टू नॉन मेटल ठीक है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या था वन मेटल था और वन नॉन मेटल था हियर इट इज टू नॉन मेटल ठीक है तो रूल क्या है रूल इज़ फर्स्ट नॉन मेटल ठीक है दोनों नॉन मेटल ऐसे लिखा है नॉन मेटल्स रिटर्न साइड बाय साइड हम दोनों नॉन मेटल को कैसे लिखेंगे साइड बाय साइड ओके एंड गिवन क्या देंगे उनको गिवन अ प्रीफिक्स प्रीफिक्स देंगे प्रीफिक्स क्या होता है पहले मेटल और नॉन मेटल के केस में हमने सफिक्स दिया था बाद में हियर इट इज वी विल प्रोवाइड प्रीफिक्स दैट इज पहले और प्रीफिक्स क्या लगेगा मोनो डाई ट्राई टेट्रा ये क्या होता है सर मोनो इज फॉर वन इज फॉर टू ट्राइज फॉर थ्री टेट्राइज फॉर फोर ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाउ वी विल हैव द एग्जाम्पल लाइक सी ओ सी ओ टू एंड टू ओ सी सी एल फोर देखिए दोनों ही टल है कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल ठीक है सो वी विल राइट द नॉन मेटल साइड बाई साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन ठीक है बट हेयर इट इज मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड तो प्रीफिक्स लगेगा ना तो देखो हमने क्या लिख दिया हमने साइड बाई साइड लिख दिया हमने लिख दिया कार्बन लिख दिया और ऑक्साइड लिख दिया इतना तो हम सीख गए थे ठीक है इसके वन है ना ये तो पहले क्या लग जाएगा मोनो क्लियर ठीक है अब ये भी कार्बन है ये भी ऑक्सीजन है तो क्या लिख दिया कार्बन ऑक्साइड अभी ये टू है तो टू पे क्या लग जाएगा डाई ठीक है ओके इट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड अब यहां कौन दो है ये नाइट्रोजन टू है तो यहां लिख जाएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है कार्बन क्लोराइड ठीक है हिट इज कार्बन क्लोराइड कितने हैं फोर क्या लग जाएगा टेट्रा क्या लग जाएगा टेट्रा क्या नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है कार्बन मोनो ऑक्साइड क्लियर वेन बोथ आर नॉन मेटल अब इजी है ओके थर्ड सी थर्ड कॉम्बिनेशन इज हियर, टू एलिमेंट्स एनी एलिमेंट टू एनी एलिमेंट्स प्लस वन ऑक्सीजन ये कैसा कॉम्बिनेशन है तीन एलिमेंट है यहां पर थ्री एलिमेंट्स हैं टोटल थ्री हो गए ना टू प्लस वन थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ देम वन इज ऑक्सीजन ठीक है आउट ऑफ वन इज ऑक्सीजन क्लियर तो टू एलिमेंट प्लस वन ऑक्सीजन यहां थोड़ा समझना है बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है ओके सो so, रूल क्या है हियर इट इज़ इज़ रूल रूल ठीक सो द टू एलिमेंट रिटर्न जैसे अभी हमने पढ़ा था टू नॉन मेटल तो यहां पर टू एलिमेंट है जरूरी नहीं है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है इससे कोई मतलब नहीं है दोनों दो, दो है और तीसरा ऑक्सीजन है ठीक है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि टू जो एलिमेंट्स हैं टू एलिमेंट्स रिटर्न साइड बाय साइड साइड बाय साइड ठीक है side by side, side by side, और जो ऑक्सीजन है द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सीजन रिटर्न आफ्टर इट पहले दोनों एलिमेंट के नाम लिख देंगे साइड बाई साइड फिर तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन रिटर्न आफ्टर एट ठीक है एंड कुछ स्पेशल क्या करेंगे एंड नेम्ड विद ऑक्सीजन के नाम के साथ नेम करेंगे विद अ सफिक्स यहां एक सफिक्स लगा रहे हैं हम सफिक्स मतलब बाद में क्या लग रहा है एट या फिर आइट इट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों जो एट लग सफिक्स लग रहा है ना एट बाद में आइट लगेगा या एट लगेगा इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं उसके हिसाब से हमें एट या आइट लगाना है क्लियर तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन है मोर ऑक्सीजन मोर मतलब उनकी दो एलिमेंट्स की काउंटिंग से ज्यादा अगर ऑक्सीजन के एटम है तो, तो एट लगेगा ठीक है और इफ लेस ठीक है तो आइट ठीक अभी समझेंगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बात समझो पहले टू एलिमेंट प्लस वन ऑक्सीजन तो टू एलिमेंट रिटर्न साइड बाई साइड एंड प्लस वी विल राइट द ऑक्सीजन आफ्टर इट एंड उसके ऑक्सीजन के साथ में हमें सफिक्स लगाना है एट कब लगाना है वेन द ऑक्सीजन इज मोर आइट वेन द ऑक्सीजन इज लेस अब ऑक्सीजन इज मोर एंड लेस कैसे पता चलेगा अभी में एग्जाम्पल हम जब कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे क्लियरली कि ऑक्सीजन में मतलब लेस और ज्यादा से होता है मोर और लेस कैसे होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज वी आर स्टडिंग एग्जाम्पल नाउ वी हैव के सी एल ओ थ्री एन अदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग के सीएल ओ टू ठीक है समझ रहे हैं सो हेयर इट इज ऑक्सीजन इज मोर देन एट तो क्या हो जाएगा देखो पहले तो इन, हमने क्या लिखा है दो एलिमेंट रिटर्न साइड बाय साइड पोटेशियम क्लोराइड क्लोर ठीक है क्लो ठीक है क्लोर फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लिखा जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में क्या लगेगा एट लगेगा क्योंकि मोर है तो एट तो हो जाएगा क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट समझ आया अब देखो पोटेशियम ठीक अब कम है है ना तो हो जाएगा क्लोर आइट समझ गए ऑक्सीजन इज मोर एट ऑक्सीजन इज लेस आइट ठीक है समझ आई बात एंड समटाइम्स वी यूज प्रेफिक्स अभी हम सफिक्स लगा रहे थे अब लगा रहे हैं प्रेफिक्स तो प्रेफिक्स टू होते हैं हेयर इज हाइपो एंड पर दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैसे बहुत ध्यान से समझना हाइपो मीन्स लेस ऑक्सीजन परमीस मोर ऑक्सीजन ठीक है ठीक हाइपर फॉर लेस परमीस फॉर मोर ठीक है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐटम ठीक है देखो यहां हमने एट और आइट पढ़ा था अभी हम हाइपो और पर पढ़ रहे हैं एट था मोर के लिए यहां पर मोर के लिए है पर ठीक है अब मैं चार एग्जाम्पल ले रहा हूं अब चारों के एक साथ ठीक है नाउ वी विल डू ओके सो हियर वी हैव के सी एल ओ के सी एल ओ टू के सी एल थ्री के सी एल ओ फोर हाइपो मीनस लेस लेस मतलब लीस्ट सबसे कम होगा तो हाइपो फिर उससे ज्यादा होगा तो आइट उससे ज्यादा होगा तो एट और सबसे ज्यादा होगा तो पर ठीक है ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए नाम पोटेशियम क्या नाम होगा पोटेशियम बिल्कुल कम है सबसे कम है है ना तो सबसे कम होगा तो लीस्ट हाइपो ठीक है तो यहां हो जाएगा पोटेशियम हाइपो क्लोराइड समझ आ गई हाइट मतलब कब लगता है लेस पे और लेस में भी और कम तो हाइपो है ना आप देखिए हो जाएगा पोटेशियम सिंपल क्लोराइड तो यहां क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट और उससे ज्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम हाइप नहीं हाइपर या फिर पर पोटेशियम पर क्लोरेट देखो बहुत ध्यान से ये तीसरे वाले में थोड़ा सा है टिपिकल है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझेंगे फिर तो उसके बाद हम बहुत सारे नॉर्मल क्लेक्चर करेंगे ठीक है नाउ लिसन वेरी केयरफुली टू एलिमेंट वन ऑक्सीजन ओके सो टू एलिमेंट्स रिटर्न साइड बाई साइड एंड देन आफ्टर वी विल राइट द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो एट कब लगाना है जब ज्यादा होगा सबसे पहले सबसे कम की बात करते हैं तो दिस इज वॉट लीस्ट हाइपो सबसे कम में हाईपो उससे ज्यादा में आइट उससे ज्यादा में एट और सबसे ज्यादा में पर ठीक है अब हमारे पास चार ऑप्शन है ठीक है है ना तो कम देखिए कम ऑक्सीजन में आइट तो लगता ही है ये आपके देखो क्लियर दिख रहा है क्लोराइट कम में आइट लगता है बट बहुत कम है तो हाइपोक्लोराइट फिर उससे ज्यादा हो गया तो क्लोराइट उससे ज्यादा हो गया तो क्लोरेट ज्यादा हो गया ना क्लोरेट और ज्यादा हो गया तो पर क्लोरेट क्लियर ठीक है प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा नो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं जब भी आप कोई दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हैं मुझसे है ना इतना समझने के बाद एक हम टेबल पढ़ेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम रख के देखेंगे ठीक है क्लियर इनको रिवाइज करना है आपको ओके देन आफ्टर नाउ वी हैव वन टेबल दैट इज डू हियर या हम ले रहे हैं कोई भी मेटल फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पोटेशियम ले लेते हैं ठीक है ओके और जोड़ते चले जाएंगे उसमें दूसरे, दूसरे 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 फिर उनका फॉर्मूला बनेंगे और उसके हिसाब से उनका नेमिंग ठीक है नाउ वी हैव पे सी एल ठीक है फिर ये के पॉजिटिव फिर हम लगाएंगे बी आर फिर के पॉजिटिव फिर आई निगेटिव ठीक है ये निगेटिव क्यों लग रहा है पता है नॉन मेड और ये मेटल मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल नेगेटिव आयन ठीक है या फिर आता है के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ठीक है फिर एन ओ टू निगेटिव एन ओ थ्री निगेटिव ठीक है फिर आएगा सी ओ थ्री टू निगेटिव एच सी ओ थ्री निगेटिव अभी हम पढ़ते हैं एसओ फोर टू निगेटिव एच एसो थ्री वन निगेटिव एच एसो फोर निगेटिव देखो नाउ से वेरी केयरफुली वन मेटल वन नॉन मेटल अभी हमने रूल पढ़ा था कि हम मेटल का नाम पहले लिखते हैं और नॉन मेटल के साथ में आईड लगा देते हैं ठीक है तो यहां फॉर्मूला बन रहा है आपका के सी एल क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड क्लियर मेटल नॉन मेटल मेटल के साथ में एक नॉन मेटल लगा होता है तो आइड लग जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक है के बी आर पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड आयोडीन है तो आयोडाइड ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब यहां समझना है ये क्या है ये क्या है पहले इनके नाम समझेंगे फिर जोड़ेंगे ठीक है पोटेशियम तो लगेगा सबके साथ में नो प्रॉब्लम बट पहले हम समझते हैं देन वी विल डू ओके ओके ना लिसन वेरी केयरफुली दिस इज वॉट दोनों नॉन मेटल है अभी हमने दो सेकेंड वाला स्टेप पढ़ा था दोनों नॉन मेटल ठीक है तो जब दोनों मेटल है तो दोनों साइड बाई साइड लिखे जाते हैं okay. फिर उसके बाद अब इसमें क्या हो गया जब ये जुड़ जाएगा इसका फॉर्मूला थ्री एलिमेंट हो गए थ्री थर्ड वाला केस था हमने पढ़ा था रूल्स क्या थे थर्ड वाले में रूल था कि दोनों का नाम साथ में लिखा जाएगा और ऑक्सीजन का उसके बाद में ठीक है ठीक तो अब देखना क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट नाइट्रोजन है ना ये तो नाइट्रोजन का नाइट्रो फिर आइट समझ आ गया नाइट्राइट ठीक अब ऑक्सीजन बढ़ गया ज्यादा होता है ऑक्सीजन तो क्या लगता है एट सीखा था अभी तो ये क्या होता है देखिए के एन ओ थ्री क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट यहां तक तो हो गया तीन है एट ठीक है अब इसको क्या बोलेंगे कार्बोनेट कार्बन ठीक है अब बात को समझो ठीक है तो पोटेशियम लिख देंगे पोटेशियम कार्बन का कार्बो कार्बो फिर तीन है ना तो कार्बन एट पोटेशियम कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा देखिए अब कल हमने इसका फॉर्मूला बनाना सीखा था ना क्रॉस करते हैं पहले हम वो लिखते हैं फिर बैलेंसी लिखते हैं फिर क्रॉस करते हैं ठीक है तो हमने के लिखा तो सीओ थ्री के ऊपर जो बैलेंसी है वो आ जाएगी के, के साथ तो के टू और सीओ थ्री क्लियर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ठीक है तो हो जाएगा पोटेशियम आप बात को समझो इसको कार्बोनेट बोलते हैं बाई कार्बोनेट सल्फाइट सल्फेट आइट एट सल्फाइट सल्फेट सल्फाइट बाई सल्फेट बाईसलफाइट ठीक बाई है तो क्या हो जाएगा देखिए पोटेशियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बाई प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा ठीक है देखिए सल्फाइट ये सल्फाइट है ना कम है ज्यादा है तो सल्फेट है ना तो ये क्या हो जाएगा देखो कि फॉर्मूला हो जाएगा K2 टू ये वाला 2 तो हो जाएगा K के, के साथ फिर SO3 और नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइट सल्फाइट और इसमें क्या हो जाएगा सल्फेट पोटेशियम सल्फेट यहां हो जाएगा बाई कार सल्फेट बाई सल्फाइट कम है ना तो पोटेशियम बाई इसको बाई सल्फेट सल्फाइट बोलते हैं तो बाई सल्फाइट और ये पोटेशियम बाई सल्फेट इतनी बात समझ में आ रही है फिर से रिपीट कर रहा हूं देखिए इसको समझना नाइट्राइट नाइट्रेट कार्बोनेट ठीक है बाइकार्बोनेट सल्फाइट सल्फेट बाइसल्फाइट बाइसल्फेट है ना आइट मतलब कम है तो आइट ज्यादा है तो एट कम है तो आइट ज्यादा है तो एट और एच लग जाता है तो बाई बाइसल्फाइट सल्फाइट बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ठीक है नाइट्राइट नाइट्रेट क्लियर ठीक है चलो नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं हियर इट इज ए एल टू ओ टू ए एल ओ टू नेगेटिव नेक्स्ट इज सी आर टू ओ सेवन ठीक है देन जेड एन ओ टू ठीक है ओके एंड देन पी बी ओ टू अब इनके नाम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम है ना एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम एट एल्यूमिनेट डाई देखो दो लगा है है ना तो डाई क्रोमेट जिंक केट प्लमबम प्लम्बम होता है ना पीबी प्लम्बम प्लम्बाइट ठीक है अब बात को समझो फिर किससे जोड़ रहे हैं हम पोटेशियम से ठीक इनकी बैलेंसी होती है टू नेगेटिव टू नेगेटिव और वन नेगेटिव ठीक है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है जब वन वन होता है तो तो क्रॉस हो जाते तो ये के एच ओ थ्री और यहां देखिए टू है ना तो के टू ये वाला टू के के साथ एस फोर ठीक है अब यहां क्या हो जाएगा के एच एस ओ फोर ठीक है यहां हो जाएगा के ए एल ओ टू हो जाएगा के देखो ये टू है टू ठीक है फिर सी आर टू ओ सेवन ठीक है फिर के ये वाला टू टू फिर जेड एन ओ टू बहुत ठीक है क्लियर अब यहां तो बनी है तो के पी बी ओ टू अब हमारे पास ये तीन तीन एलिमेंट हो रहे हैं ओके नाउ है थ्री एलिमेंट जिसमें एक ऑक्सीजन है ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम एट एल्यू में नेट क्लियर पोटेशियम अब ये देखो सी आर के साथ में दो लगाए डाई क्रो म, क्रोमियम है ना क्रोमियम तो क्रोमियम का क्रोमियम का क्रोम फिर एट ठीक है पोटेशियम जिंक निंग केट है ना पोटेशियम प्लमबम है ना तो प्लम ब बम नहीं पूरा नहीं लिखेंगे आधा लिखते हैं फिर उसके बाद में आइट या एट लगाते हैं तो आइट प्लम्बाइट कुछ समझ में आया पूरी टेबल आपके सामने है ठीक है फिर से मैं एक बार रिवाइट कर देता हूं नाइट्राइट नाइट्रेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइट कम है ज्यादा है तो सल्फेट बाई सल्फाइट बाई सल्फेट एल्यूमिनेट डाइक्रोमेट जिंकेट प्लम्बाइट ओके नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये पोटेशियम लिया था हमने अब सोडियम होता तो सोडियम क्लोराइड है ना सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम 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 लिख देते पोटेशियम की जगह सोडियम हो जाता बाकी ये तो चेंज नहीं होते हैं इनके तो नाम फिक्स हो गए ना तो अभी आपको इनके नाम याद करने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नेम ठीक है क्या नेम है कार्बोनेट बाईकार्बोनेट सल्फाइट सल्फेट बाईसलफाइट बाईसलफेट एल्यूमिनेट क्लियर ये इतना इतना पार्ट लर्न करना है सो दट की वी कैन पुट द नेम ऑफ द कंपाउंड ईजीली ओके ओके सो इन प्लेस ऑफे पोटेशियम वी कैन टेक एनी एलिमेंट यहां पर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं ठीक है आयरन ले लेंगे तो आयरन कार्बोनेट आयरन नाइट्रेट आयरन नाइट्राइट कुछ भी आयरन हाइड्रो हो सकता है ठीक है तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा उसका नाम में बस पोटेशियम जहां जहां ये लाइन आ रही थी वहां चेंज हो जाता है ठीक है So go through the table carefully and learn them. Learn these these name. These names are most important. So that you can put the name of the compound. Okay? So now now I am writing these also. So then after we will complete this. So potassium chloride. Okay. Then potassium bromo तो ब्रोमाइड ठीक है पोटेशियम आयोडी ने आयोडाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाईड्रॉक्सी हाई हाइड्रोक्स है ना हाइड्रोक्साइड आयन है ना ये तो हाइड्रोक्साइड ठीक है क्लियर कब जब एक मेटल एक नॉन मेटल तो एक मेटल नॉन मेटल होता है तो आइड लगता है है हम लगाते जा रहे थे ये आइड लग रहा था कब मेटल नॉन मेटल में आइड लगता है सब में लग गया ठीक है अब तीन एलिमेंट है हमारे पास जिनके में एक ऑक्सीजन है तब आइट लगता है या एट लगता है आइट एट लगता है एट लगता है आइट लगता है एट लगता है सो दिस इज वॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन थ्री एलिमेंट ओके थैंक यू